हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बूंदी की कढ़ी की रेसिपी। तो कढ़ी तो सभी को बहुत पसंद होती है और बूंदी की कढ़ी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी लगती है और बनाने में बहुत कम टाइम भी लगता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो इसे बनाने के लिए एक बड़े बोल में मैं डाल रही हूँ 2 कप दही, मतलब ये आधा किलो दही है। और दही ना अगर आपका हल्का खट्टा हुआ तो कढ़ी आपकी और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब इसमें हम डाल देंगे 1/2 कप बेसन, चम्मच के हिसाब से ये 5 चम्मच बेसन है। साथ ही इसमें हम थोड़े से मसाले भी डालेंगे। तो 1 छोटा चम्मच में डाल ली इसमें धनिया पाउडर, 3/4 छोटी चम्मच में डाल ली इसमें लाल मिर्च पाउडर, इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। 1/2 छोटी चम्मच में डाल ली इसमें हल्दी पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा और नमक अगर कम हुआ ना तो उसे हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। बस सारी चीज़ों को पहले एक बार अच्छे से हम मिला लेंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो पानी मैं इसमें डाली हूँ 1 लीटर। अब इसे मथनी से अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो इसे अच्छे से मैंने फेंट लिया है। तो दही और बेसन का घोल हमारा बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब इसे पकाना शुरू करते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच तेल। तेल को पहले हम हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। तो जब तेल हमारा हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच राई यानी मस्टर्ड सीड्स, 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे इसमें हम ज़ीरा, 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे इसमें हम मेथी दाना, 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम साबुत कुटी हुई धनिया और 1/4 छोटी चम्मच इसमें हम हींग डालेंगे। अब इसे लो फ्लेम पर हम कुछ सेकंड के लिए हल्का सा पका लेंगे। तो कुछ सेकंड हल्का सा पकाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 2 से 3 हरी मिर्च लिया जिसे एकदम बारीक काट लिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैं एकदम बारीक काट के डाल रही हूँ और 8 से 10 इसमें हम कड़ी पत्ता डाल देंगे। अब इसे भी हम लो फ्लेम पर कुछ सेकेंड के लिए हल्का सा पका लेंगे। तो कुछ सेकेंड हल्का सा पकाने के बाद अब इसमें हम डाल देंगे कड़ी का घोल। लेकिन डालने से पहले ना इसे एक बार हम चला लेंगे क्योंकि बेसन जो है ना वो नीचे तले में बैठ जाता है। और बोल में जो थोड़ा बहुत लगा था उसे मैंने 1 कप पानी डालकर अच्छे से निकाल लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पहले इसमें उबाल आने देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें उबाल आ गया है और इसे मैंने लगातार चलाया है और हल्दी का पीला रंग भी देख रहे हैं कितना अच्छा आ गया है। अब हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 20-25 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो कढ़ी को जितना अच्छा आप पकाओगे ना कढ़ी में उतना ही अच्छा स्वाद आएगा। तो इसे अब हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो इसे पकाते हुए तकरीबन मुझे यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं और कढ़ी ना यहाँ पे हल्की गाढ़ी हो गई है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम बूंदी डालने वाले हैं। बूंदी डालने के बाद कढ़ी और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो अगर आपकी कढ़ी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो गई है तब आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल सकते हो। तो बस कढ़ी अच्छे से पक गई है, अब इसमें हम डाल देंगे बूंदी। तो मैंने यहाँ पे 1 कप अच्छे से भर के बूंदी लिया है। मिला लेंगे एक बार इसको अच्छे से। अब हम साथ ही इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल देंगे, बहुत ही बढ़िया से फ्लेवर आता है। तो मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच डाला है जिसे हाथ से पहले मैंने क्रश कर लिया था। अब बस इसमें सिर्फ 1 उबाल आने देंगे। यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी डाला था क्योंकि बूंदी डालने के बाद ना ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था। तो यहाँ पर देखिए 1 उबाल आ गया है, बूंदी बढ़िया से फूल के सॉफ्ट हो गई है और कढ़ी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है, मतलब मीडियम गाढ़ी ये हो रही है। और कढ़ी ठंडी होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसके ऊपर एक तड़का लगाएंगे जिससे इसका स्वाद ना एकदम दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच देसी घी लिया जिसे पहले अच्छे से गर्म कर लिया है। इसमें मैंने 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी है और 1 छोटा चम्मच डालेंगे इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फटाफट से इस तड़के को हम डाल देंगे कढ़ी के ऊपर। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे और अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बूंदी की कढ़ी बनकर हमारी बिल्कुल रेडी है। तो बस अब इसे हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। इसे आप चावल रोटी किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा ही टेस्टी लगती है और बनाने में देखिए कितनी आसान भी है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।